नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 मई 1826 को आज की ही तारीख में जब उदंत मार्तंड नामक एक अखबार छपा था तो पत्रकारिता की भारत में एक अलख जगी थी, और वो अलख, वो नींव जो रखी गई थी वो आज भी कायम है। कई मेरे मित्र होंगे, कई आप लोगों के साथ ही होंगे जो पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखें आज की तारीख में पत्रकारिता किन हालातों से गुजर रही है उसको वो भली भांति समझते होंगे, क्योंकि आज की तारीख में जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, चाटुकारिता मीडिया कहते हैं, इन तमाम चीजें जब वो कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या जो उदंत मार्तंड हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुरुआत जहां से हुई क्या आज भी वैसी पत्रकारिता है। तो सबसे पहले आपको इतिहास में ही जाना पड़ेगा। 1826 में अगर हम लौटें, उस समय अगर हम देखें तो उदंत मार्तंड जब छपा, मंगलवार को जब वो छपता था, तो उस समय भारत गुलाम होने के बावजूद भी वो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लिखता था, और जब लिखता था तो हालात ऐसे हुए कि ज्यादा समय तक वो अखबार नहीं चल पाया। करीब 1.5 साल में उसे बंद करना पड़ा। दिसंबर 1827 की बात है, वो अखबार बंद हो गया, क्योंकि सरकार ने उस समय जो है उसको रजिस्ट्रेशन तो दिया था, कागजात तो दिए थे कि ठीक है आप छापिए, लेकिन कई कुछ अन्य सुविधाएं नहीं दी। वो सुविधाएं आज भी नहीं मिलती है। हिमाचल में आप उठाकर देख लीजिए, चंद पत्रकार होंगे जिनको कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं होगी। और आज की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस दौरान 1826 में वो अखबार खर्चा ना चलने के चलते बंद करना पड़ा, तो आज की तारीख में भी यही हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में भी जो असल पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, वो चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए करते हो, डिजिटल मीडिया के जरिए करते हो, कई पत्रकार ऐसे हैं जो वाकई में अच्छी पत्रकारिता करते हैं, अच्छी खबरों को उठाते हैं, जिन खबरों को जगह ना तो नेशनल मीडिया देती है और ना जो स्टेट लेवल की पत्रकारिता है उन अखबार के पन्नों में जगह मिल पाती है। ऐसे में जो स्थानीय पत्रकार होते हैं, डिजिटल मीडिया जिसे आप कहते हैं, उसमें कई ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी काम करते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन उनका खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि 1826 से लेकर 2022 तक ये समस्या आज भी कायम है। कायम इसलिए है क्योंकि निष्पक्षता, निडरता, ये दो चीजें अगर किसी पत्रकारिता के अंदर है, किसी पत्रकार के अंदर है, तो जाहिर सी बात है उसको इन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जो है आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं उनको कहां खर्चे की कमी है, वो तो बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं, राजधानियों में जाते हैं, कहीं पर कुछ हो गया तुरंत उनके जो है पत्रकार हेलीकॉप्टर में जाकर वहां पहुंचते हैं। तो जो बड़े मीडिया संस्थान है उनको आप पत्रकारिता की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि 24 घंटे में जब वो खबरें आपको दिखाते हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो जब किसी सरकार का जो है तारीफों के पुल बांधते हैं, तो उसमें पत्रकारिता कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की नहीं दिखती है। कहीं पर कुछ कांड हो गया, हिमाचल का मैं संदर्भ में बात करूंगा क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस की जब बात हो रही है हिमाचल के संदर्भ में जब हम करेंगे, तो आप देखिएगा कि सुपर जो एक 100 बुलेटिन इन चैनलों के चलते हैं, हिमाचल की खबर उसमें कहीं जगह नहीं बना पाती है। क्यों नहीं बना पाती है? क्या यहाँ समस्याएं नहीं है? यहाँ तो समस्याएं ज्यादा है, तो फिर क्यों जगह नहीं बना पाती? इसलिए नहीं बना पाती कि कहीं पर कभी दुर्घटना हो गई, कोई बड़ी आपदा आ गई, तब इनके मीडिया पत्रकार जो है वो तमाम पत्रकार चंडीगढ़ से भागते हुए वहां पर पहुंचेंगे, वो भी तब अगर दुर्घटना में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, अगर 2-4 लोगों की मौत हुई, कहीं पैराफिट नहीं है, कहीं समस्याएं हैं, उस पर वो बात नहीं करेंगे। वो आएंगे, 10 से ज्यादा लोगों की बात हुई, सनसनीखेज तरीके उसको परोसेंगे और वहां से चले जाएंगे, उसके बाद दोबारा वहां नहीं आएंगे कि आखिर वहां पर काम क्या हुआ। बीते दिनों बरसात का ही आप देख लीजिए, निगुलसरी में, किन्नौर में जो हादसा हुआ, उसके बाद शिलाई में जो हादसा हुआ, कई जगह पर बरसात में हादसे हुए, मीडिया चैनलों ने उन खबरों को, उन तस्वीरों को प्राइम टाइम में जगह दी, लेकिन उसके बाद देखने भी नहीं आए। तो इन चैनलों को आप पत्रकारिता की दृष्टि से ना देखें, ये व्यवसायिक पत्रकारिता है, ये व्यवसाय करते हैं, ये जब किसी राज्य में जाएंगे वहां पर राज्य के खर्चे पर राज्य सरकार उन पर खर्चा करती है, उनके रुकने की व्यवस्था करती है, एक विशाल बड़ा इवेंट करवाती है, तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि ये पत्रकार उस सरकार से सवाल पूछेंगे? लोकतंत्र में पत्रकार का सत्ता के साथ हाथ मिलाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आप देख रहे होंगे बीते काफी समय से, जब इन टीवी चैनलों के जरिए जब उस पर बात कभी भी मुद्दों की नहीं होती है, बेरोजगारी की नहीं होती है, महंगाई की नहीं होती है, बात सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बीते दिनों आपने मंदिर का मुद्दा देखा और सरकार की वाहवाही देखी। कहने का मतलब यह है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, हमें उन पत्रकारों को सम्मान देना होगा जो पत्रकार
ग्राउंड जीरो से समस्याओं को उठाते हैं, वो चाहे पत्रकार एक अपने गांव का ही क्यों ना हो, एक पंचायत स्तर का पत्रकार क्यों ना हो, कम से कम वो गरीबों की हित की बात या गरीबों की समस्याओं को दिखा तो रहा होता है। एक बार फिर से आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।